तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज भी मुझे ये वाला जो है घर पे नहीं कर पाया, मैं अभी बाहर कर रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है गाइस, आज है मकर संक्रांति और सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आपको कोई वार्निंग भी देना चाहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये जो दौड़ जो होती है आप सीधी मत छोड़ो, या तो आप पूरी उतार के एक जगह इकट्ठा करके उसे जला दो, क्योंकि उससे बहुत मतलब पक्षी भी कट रहे हैं। सुबह मैंने एक स्टेटस देखा, एक बच्ची के यहाँ से कट चुका था, तो यार मतलब अजीब सा लगता है। सपनी जैसे मत किया करो और मैं भी इसका पूरा ध्यान रखूँगा। बाकी आज जो है मेरे को जल्दी घर पे, मैं ऐसे नहीं कि आप पतंग उड़ाओ लेकिन ध्यान रखो। तो भाई अभी फाइनली मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ और मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त टैक्सी में आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती कि भाई देखो पतंग उड़ाओ, मैं इसके ये नहीं कह रहा आप पतंग मत उड़ाओ, आप पतंग उड़ाओ यार, मना कौन कर रहा है आपको, लेकिन ध्यान रखो आप पतंग उड़ाते हो आपकी पतंग कट जाती है तो धागा वहीं पे तोड़ के मत छोड़ो, ठीक है, धागे को अंदर ले लो यार आप, कोई दिक्कत नहीं है। और दो नंबर बात गाइज, मेरे को यार आज संक्रांत है और पहली ऐसी संक्रांत है मेरी लाइफ की जिस दिन मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। एक पहली थी जब मैं फिफ्थ क्लास में था, तब मैं अब ननियाल जा रहा था, क्योंकि पहले मैं जो है ननियाल में पतंग उड़ाता था। भाई अभी तक जो है ट्रेन एकदम टाइम पे है यार, कहीं भी नहीं रुक रही। अभी देखो मैं बैनेसर आ गया, बैनेसर, अरे लिखा जाए यार कहीं पे, तो जूम करके दिखा दूँ ऑडियंस को। ये देखे बैनेसर एक बार, ये देखिए बैनेसर। ठीक है गाइस, तो अभी हम मैं बैनेसर से निकल गया हूँ और जल्द ही मेरे गांव पहुँचने वाला हूँ। बाकी आप नज़ारा देखते रहिएगा रास्ते का। तो भाई यार अभी तक ये राजेंद्रेश्वर तक कंटिन्यू आई, कहीं भी लेट नहीं किया, लेकिन राजेंद्रेश्वर पे अभी क्रॉसिंग है। और कई जगह क्या होता है संक्रांत मतलब मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं और कई लोग आखातीज पे पतंग उड़ाते हैं, तो मेरे को देख कैसे लग रहा है राजेंद्रेश्वर में तो संक्रांति पे उड़ाते हैं। ये देखिए गाइस आपको दिखाता हूँ पतंग भाई मेरे वाले कैमरे में पतंग दिखना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं दिखे पतंग, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई इतना मन कर रहा है ना यार ये पतंग उड़ाते देख के, बस अब जल्दी से मेरे को ये घर पहुंचा दे। जल्दी तो नहीं पहुंचाई क्योंकि फिर लेट कर रही है, राजेंद्रेश्वर पे क्रॉसिंग है इसकी और आगे देखते हैं ये लेट करती है नहीं। गाइस रेलवे स्टेशन पे पतंग उड़ाने का यही नुकसान होगा, अभी ये बंदा पतंग उड़ा रहा था और अभी पुलिस इससे पतंग उतरवा रही है, बोलो उड़ा बेटा तुम उड़ा। गाइस आज का थंबनेल यही लगाऊंगा भाई। भाई इंसान हो तो ऐसा, जो ये पुलिस जो अंकल है वो मतलब जितना भी मंजा रखा हुआ है ना वो मतलब हटा के फेंक रहे यार, सल्यूट ऐसे अंकल को, हमें ऐसे पुलिस की सब जरूरत है भाई। अभी यहाँ पे दो लेडीज़ चली गई जिनके पाँव में आ गया, लेकिन उन्होंने खुद के पाँव से निकाल लिया लोगों में, मतलब उन्हें ये मतलब नहीं है कि दूसरे के भी आएगा उसको हटा देते हैं, खुद वाले में निकाल के छोड़ के जा रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली अभी अपन घर पे भी आ गए हैं और अभी जो है मैं छत पे पतंग उड़ा रहा हूँ। क्या यार ये देखिए गाइस पतंग तो बहुत उड़ रही है, कैमरे में इतनी क्लियर नहीं दिखती लेकिन उड़ बहुत रही है पतंग।
हेलो। तो यार भाई लोग अभी शाम हो गई है और अभी जो है मतलब पतंगे तो बहुत ज़्यादा उड़ रही है, मेरा भी मन था, लेकिन यार अभी यार देखो मेरा हाथ कट चुका है यहाँ से, तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं है पतंग पता नहीं कैसे सेट हो गए, वो उधर वाले भी खींच रहे, मैं भी खींच रहा, पता नहीं हाथ कट गया यार एकदम से। अभी मेरा पतंग उड़ाने बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, हम पतंग उड़ते ही देख तो सकते हैं। और ये देखिए गाइज अभी पापा भी आ गए हैं लेकर, इतना खराब कैसे आ रहा है। भाई अभी जो है लगभग शाम के 6:30 बज गए हैं और यार बहुत पतंग उड़ा ली आज मैंने, तो बहुत एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया कैसे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मतलब मेरे को जब अंधेरा हो जाए तो वो बैलून्स जो छोड़ते हैं, मैं तो उनको पैरासूट बोलता हूँ गाइस, तो वो जो छोड़ते हैं मेरे को देखना है वो कितने जाते हैं। और मेरे गाँव का उस वक्त का मैं वो जो नज़ारा होगा वो मैं वीडियो में कैप्चर करना चाहूँगा। तो गाइस अभी हम देखते हैं वो गुब्बारे कितने उड़ते हैं। तो गाइज अभी हम थोड़े हाथ सेक रहे हैं हमारे, और हमारे भाई आउट भाई बड़े में दही में बड़े चूर के खा रहे हैं, और अंकु भाई ने टोपी उतार दी एकदम अपनी हेयर स्टाइल दिखाने के लिए, कोरियन हेयर स्टाइल, और मोनू जी ने गमछा लगा रखा है। हाँ दिखो दिखो भाई भाई सुगन के हेयर स्टाइल है, वास्तव में अंकु पप्पा हेयर स्टाइल। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की मुझे लब जो की धोखे बाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है बेदर्द की